Hello students, today we are going to listen a very beautiful story about the lion and a kind man. Okay, and who is the kind man? The kind man is Androclus. So, the name of the story is Androclus and the Lion. It's lesson number 29, English Bal Bharati, 4th standard. Students, do you know what is the meaning of lion? I suppose everybody has seen the lion. Lion ka Hindi mein matlab hota hai sihi. Hindi mein jise hum log sihi bolte hain. Sihi aapko malum hoga ki jungle ka raja bhi mana jata hai. Babbar sher kaha jata hai usse. To ye bahut hi khoobsurat si kahani jo hai, bahut achhi aapko maza aayega. End tak aap suniyega. इस स्टोरी को मैं टू पार्ट्स में बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी है, तो फर्स्ट पार्ट आज मैं लूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा ऑफ द स्टोरी. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ काइंड जेंटल एंड कर्टियस मैन कॉल्ड एंड्रिकलिस. बहुत पहले एक आदमी रहता था. वो कैसा था? काइंड. काइंड का मतलब होता है पर्सन हु इज लविंग, दयालु व्यक्ति जिसमें बहुत दया होती है, वो होता है काइंड मैन. जेंटल, जेंटल का मतलब होता है जो काम और रेशनल रहता है, शांत. एंड कर्टियस, कर्टियस मीन्स विनम्र व्यक्ति, यानी पोलाइट. ओके, सो उस व्यक्ति का नाम था एंड्रिकलिस. ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर. जो उसका मास्टर था वो बहुत क्रूअल था. क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जो हार्टलेस होते हैं. मास्टर आप सभी को पता होगा. इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स. और उन दिनों में जो किंग्स होते थे, किंग्स मतलब आप सबको मालूम है राजा. नोबल्स, नोबल्स का मतलब होता है रईस. एंड द अदर वेल्दी, वेल्दी मीन्स धनी. जो धनी लोग, रईस लोग रहते थे वो क्या करते थे? पुअर पीपल, पुअर पीपल मीन्स जो गरीब लोग थे उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे. स्लेव्स का मतलब होता है दास, जिसको आप क्या करते हो? फोर्स करते हो. अपने जो भी आप आज्ञा देते हो तो उसे फोर्स करते हो कि वो उस काम को करे, उसे स्लेव्स कहा जाता है. एंड्रिक्लिस वॉज अ स्लेव. और जो ना एंड्रिक्लिस नाम का जो व्यक्ति था वो स्लेव था, दास था. द स्लेव्स वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स. स्लेव्स जो थे, जो दास थे, उनको फोर्स किया जाता था, बोला जाता था कि आपको अपने मास्टर के लिए काम करना होगा. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम. और उनको वो ही करना होता था जो उनके मास्टर्स या गुरुजी उनसे कहते थे. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स. और जो स्लेव्स थे उनको कोई भी फ्रीडम नहीं थी. फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, लिबर्टी कह सकते हो आप. उन्हें कुछ भी वो अपने आप से नहीं कर सकते थे. नो राइट्स, नो राइट्स मीन्स कोई भी उनको अधिकार नहीं था अपने से कुछ करने का. इवन व्हेन दे वर अनहैप्पी विद देयर मास्टर दे कुड नॉट लीव हिम. क्योंकि वो खुश नहीं थे, है ना, जबकि वो खुश नहीं थे अपने मास्टर से, तो भी वो उनको छोड़ नहीं सकते थे. लीव मतलब छोड़ नहीं सकते थे. They were bound by law to obey their masters, however wicked he might be. They were bound. Bound means जो बंधे हुए थे, वो कानून के द्वारा बंधे हुए थे, उनको obey करना ही था. Obey means उनको उनकी बात माननी ही थी. कितने भी उनके जो गुरु जी थे wicked, wicked means शैतान, दुष्ट, जैसे दुष्ट होते ना खराब, वैसे उनके जो मास्टर्स खराब थे, उसके बाद भी क्योंकि लॉ के अनुसार उनको उन मास्टर्स का आज्ञा का पालन करना था. आपको ये फर्स्ट पैरा अच्छे समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द सेकेंड पैरा.
एंड्रोकिलस डिड नॉट लाइक हिज विकेड मास्टर, और जो एंड्रोकिलस था वो अपने विकेट मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। विकेट मालूम है आपको, दुष्ट जो गुरुजी थे उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन विम्प्ड देम। एंड्रोकिलस के जो मास्टर थे वो उनको स्टार्व मीन्स भूखे रखते थे अपने दास लोग को, जो अपने नीचे जो काम करते थे उनको भूखा रखते थे। एंड ऑफन विम्प्ड देम, विप्ड मतलब उनको मारते भी थे। एंड्रोकिलस फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। एंड्रोकिलस को महसूस हुआ, फेल्ट मीन्स महसूस हुआ, कि इवन डेथ यानी इससे अच्छा मर जाना ही बेहतर होगा। ओके, मर जाना बेहतर होगा, क्योंकि वो लोग जो सर्व करते थे ऐसे मास्टर को, ऐसे गुरुजी, सर्व मीन्स उनको सेवा करते थे। ओके, ऐसे गुरुजी को सेवा करने से अच्छा तो मर जाना बेहतर होगा, ऐसा एंड्रोकिलस महसूस करता था। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, और वो अच्छे मौके की तलाश कर रहा था। गुड अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छा अवसर, चांस ढूंढ रहा था वहाँ से बाहर निकलने का। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। जो उसको पहला चांस मिला, मौका जो मिला जब उसको, तो उसने क्या किया, ही एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। क्लचेस फ्रॉम हिज क्रूअल मास्टर मतलब वहाँ उसके चुंगल से भाग निकला। नाउ although Androclus had thus run away, he was not a coward. जबकि Androclus क्या था, वहाँ से भाग तो गया था पर वो क्या था, coward नहीं था। coward मतलब डरपोक, वो डरपोक मनुष्य, डरपोक व्यक्ति नहीं था। he took shelter in a forest, और उसने shelter means जो आश्रय बोलते हैं, जंगल में लिया। ओके, जंगल में वो रहा, फॉरेस्ट में। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट, और वो ही वॉज नॉट अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, और वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। किससे, वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवरों से, जो कि कहाँ घूमते थे, जंगल में। रोम मीन्स जंगल में घूमना, रोम्ड द फॉरेस्ट, जंगल में वो जो घूमते रहते थे उनसे, जंगली जानवरों से वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, और उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसके रूफ ओवर हिज हेड, उसका मतलब क्या होता है, उसके सिर पर छत नहीं है, उसके लिए कोई भी घर नहीं है रहने के लिए। ओके, He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. और वो बहुत खुश था, एंड्रोकिलस इतना खुश था, उसको ऐसा लगा, अरे वाह, मैं अब फ्री बर्ड हूँ, मतलब आराम से कहीं पे भी इधर उधर जा सकता हूँ जैसे उसकी इच्छा है। wherever he wished मतलब जहाँ भी उसको मन है जाने का वहाँ वो जा सकता है। One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. और एक दिन क्या हुआ, जब वो wandering का मतलब क्या होता है, wandering means भटकना, जैसे traveling aimlessly from place to place, इधर उधर बिना मतलब के घूमना, उसे बोलते हैं wandering. तो जब एक दिन वो forest में इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था, तो अचानक से, suddenly means अचानक से क्या हुआ, फेस टू फेस विद अ लायन, यानी वो अचानक से, फेस टू फेस का मतलब क्या हो गया, आमने सामने आ गया, किसके, लायन के, शेर के सामने आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, उसका जो पहला रिएक्शन था, जो पहला वो क्या करने वाला है, अगर आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, कोई भी जानवर आ जाता है अचानक से, तो आप क्या करते हो, फटाक से वहाँ से भाग के निकलने की कोशिश करते हो। तो इसी तरह से एंड्रोकिलस का फर्स्ट रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या था, कि वो टर्न एंड फ्ली का मतलब फटाक से भागने लगा। ओके,
भागने के लिए तैयार हो गया, रन अवे, है ना. बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. पर उसने जब देखा कि जो लायन है वो तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, उसको देख भी लिया है ना, सींग मतलब देख भी लिया है और हिल भी नहीं रहा है, तब क्या होता है आप देखते हैं आगे. इट नीदर ग्राउल्ड नॉर रोड, ना तो वो ग्राउल्ड किया ना तो रोड किया. अब ग्राउल का मतलब होता है मेक अ लो गटरल साउंड, थ्रोट में आप लोग जो आवाज़ करते हैं वो, ओके, भुनभुना कर बोल सकते हैं. रोड, रोड का मीन्स होता है ना वो गर्जा, ओके, जैसे डीप प्रोलॉन्ग क्राई वो लोग करते हैं ना शेर लोग, उस तरह से. तो वो तो ना ग्राउल किया ना रोड किया. इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इन ग्रेट पेन. इनफैक्ट क्या होता है, मतलब ऐसा हुआ कि उसने क्या एंड्रोक्लस को किस तरह से देख रहा था, वो पिटियसली, पिटियसली मतलब क्या होता है, दयनीय ढंग से, बहुत उदास तरीके से वो उसको देख रहा था, जैसे कि वो ग्रेट पेन, यानी ग्रेट पेन का मतलब होता है बहुत ही पीड़ा में था, बहुत दर्द में था वो. एंड्रोक्लस पॉज्ड, देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लायन स्टेप बाय स्टेप. एंड्रोक्लस पॉज हो गया, पॉज मतलब ठहर गया, ठहराव आ गया उसे, और फिर वो धीरे धीरे कॉशियसली, अब वो धीरे धीरे बहुत कॉशियसली मतलब बहुत सावधानी से चलने लगा, किसकी तरफ, लायन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप मतलब धीरे धीरे, ओके, एक एक स्टेप रख के वो चल रहा था, क्योंकि डर रहा था ना वो, ऑब्वियसली बड़ा सा बब्बर शेर अगर सामने आ जाएगा तो कोई भी डरेगा, उसी तरह से एंड्रोक्लस भी डर गया था. अब देखते हैं, द लायन मोंड एंड विम्पर्ड, प्लीज हेल्प मी इट्स आई सीम टू से. द लायन मोंड, मोंड मतलब वो कहरा रहा था, ओके, उसको दर्द हो रहा था, उसको लगी थी ना, तो इसलिए वो मोंड मतलब कहरा रहा था, मतलब ना मेक अ लॉन्ग लो साउंड. विम्पर्ड का मतलब होता है मेकिंग अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड, ओके, एक्सप्रेसिव मतलब पेन उसको हो रहा था तो एक्सप्रेस कर रहा था वो. प्लीज हेल्प मी बोल रहा था, मेरी मदद करो, उसकी आंखें बोल रही थी, इट सीम्स इट्स आई सीम टू से, मतलब उसकी आंखें इस तरह से बोल रही थी. व्हेन एंड्रोक्लस ड्रू नियर, ड्रू नियर, द लायन लोअर्ड इट्स हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ. जब एंड्रोक्लस ड्रू नियर का मतलब है जब उसके पास आया, उसके पास गया, जब लायन के पास, तो लायन ने क्या किया, लोअर्ड इट्स हेड, अपना सिर जो है नीचे कर लिया, एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ, और वो क्या कर रहा था, अपने जो पॉ, पॉ मतलब पंजा, अपने पंजे को, अब खुद के पंजे को चाटने लगा. देन एंड्रोक्लस सॉ दैट द लायन्स पॉ वॉज वुंडेड, सोर एंड स्वॉलन. तो एंड्रोक्लस ने क्या देखा, एंड्रोक्लस ने देखा कि जो लायन का पॉ है यानी पंजा, वो क्या है, वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल है, ओके, चोट लगी तो घायल हो गया ना, घायल है. सोर मीन्स पीड़ादायक, दर्द से भरा हुआ, पीड़ादायक. एंड स्वॉलन, स्वॉलन मतलब फूला हुआ, है ना, कुछ लग जाता है तो अपन को अचानक से कभी कुछ फूल जाता है, दर्द होता है, उसी तरह से लायन को जब काटा चुभा है तो क्या हो गया, उसका सूज गया है पैर. On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. अब lion जब उसने बहुत पास से देखा, closer मतलब करीब से देखा, Androclus ने क्या देखा, क्या मैं ध्यान दिया, noticed मतलब ध्यान दिया, Androclus ने ध्यान दिया कि that a big thorn had pierced one of the lion's toes. यानी जो बड़ा सा काटा है, ओके, काटा, वो चुभ गया है, कहाँ चुभ गया है, लायंस के टोज के पैर, टोज मीन्स पैर की उंगलियां जो है उसकी, उसमें चुभ गया है, ओके. अब पियर्स मीन्स, पियर्स्ड का मतलब होता है जो छेद, छेद हो जाता है, जैसे आप देखते होगे नॉर्मली जो गर्ल्स होती हैं
आजकल तो बॉयज भी पियर्स कर मतलब छेद करते हैं, इयर रिंग पहनते टाइम छेद किया जाता है, उसको पियर्स बोलते हैं, छेद करना। इसी तरह से काटा भी लायन के टोज में चुप गया था। सो दिस इज द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रिक्लस। सो इसी वजह से एंड्रिक्लस ने सोचा, थॉट में सोचा कि ये जो लायन को तकलीफ हो रही है, डिस्ट्रेस मतलब तकलीफ में जो संकट उसको आया है, जो लायन को चुभ गया है, यही इसकी वजह है। नाउ द नेक्स्ट, यू कैन सी दिस पिक्चर, है ना, सी एंड्रिक्लस एंड द लायन, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। सी हाउ ही इज, बब्बर शेर तो वैसे भी राजा होता है जंगल का, कितना खुश रहता है, लेकिन उसको चोट लगी तो कैसा उसका चेहरा हो गया, उदास सा, है ना। और कैसे एंड्रिक्लस उसकी मदद कर रहा है, सो वेरी नाइस। समनिंग अप ऑल हिज करेज, एंड्रिक्लस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ। समनिंग मींस ऑर्डर टू बी प्रेजेंट। एंड्रिक्लस बहुत डरा हुआ था एक्चुअली, तो अब क्या था, बहुत करेज मीन्स साहस, साहस करके वो मतलब बिल्कुल हिम्मत करके वो शेर के सामने आया। एंड्रिक्लस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, और उसने स्ट्रेच्ड मीन्स, स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया धीरे धीरे, कहाँ पे, टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, जहाँ उसको चोट लगी थी उसको पंजे में। ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ ही टच्ड इट्स स्वॉलन पॉ, और वो बहुत डर गया था, एंड्रिक्लस डर गया था कि भाई लायन जो है उसको क्या करेगा, अटैक करेगा, मतलब उसको हमला करेगा, है ना, अगर वो उसको स्वॉलन पॉ यानी उसका फूला हुआ जो पंजा है उसको वो छुएगा, टच करेगा तो। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, पर जो लायन था वो समझ गया था, है ना, कि भाई ये मुझे कुछ हार्म नहीं करने वाला है, इसका गुड इंटेंशन, गुड इंटेंशन मतलब इसका इरादा अच्छा है, किसका इरादा अच्छा है, एंड्रिक्लस का। एंड्रिक्लस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, एंड्रिक्लस ने उसका जो पंजा अपने लेफ्ट हैंड में लिया यानी बाएं हाथ में लिया। डेफिटली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, डेफली मीन्स चतुराई से, ओके, चतुराई से, समझदारी से उसने क्या किया, उसे पुल कर लिया, ओके, खींच लिया उसको काटे को। देन टेयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोदिंग द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पॉ, उसके बाद उसने क्या किया, टेयर किया, क्या फाड़ा अपना एक पीस ऑफ हिज ओन क्लोदिंग यानी जो कपड़ा उसके पास था उसका एक टुकड़ा उसने फाड़ा, और उसके बाद में जो ये अपना काइंड मैन है, जो दयालु व्यक्ति है अपना एंड्रिक्लस, उसने लायन के जो पॉ में जो चोट लगी थी पॉ में मतलब पंजे में उसमें बांध दिया। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रैटिट्यूड। टू हिज सरप्राइज यानी आश्चर्य है कि लायन जो है क्या करने लगा, एंड्रिक्लस के आर्म को लिक करने लगा, ओके, लिक मींस चाटने लगा उसके हाथ को, आर्म मींस हाथ, आपको सब मालूम होगा हाथ की बात कर रहे हैं, आर्म जो कैसा होता है, लिक्ड मींस पास द टंग ओवर समथिंग, है ना, इन ऑर्डर टू मतलब आप ग्रैटिट्यूड, वो बता रहा है ग्रैटिट्यूड का मतलब वो आभार प्रकट कर रहा है, मतलब थैंकफुलनेस हो रहा है क्योंकि एंड्रिक्लस ने उसकी मदद की ना, इसीलिए। एंड्रिक्लस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंड्रिक्लस जो था वो उसी के साथ था, लायन के साथ, जब तक वो फिर से चलने ना लगे, है ना, चोट लगी थी तो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए जब तक वो चल ना सके इस वजह से एंड्रिक्लस उसके साथ रहता था। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट, और वो क्या करता था एंड्रिक्लस, जंगल में खाना हंट करने जाता था, मतलब शिकार करने जाता था जंगल में, और जो अपना हिस्सा होता था शेयर करता था, शेयरिंग मीन्स बांटता था, किसके साथ, हेल्पलेस बीस्ट यानी जो असहाय है, क्योंकि वो अपने से खुद का काम नहीं कर सकता था इसीलिए, ओके।
एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड, और रोज के रोज एंड्रिक्लिस क्लीन करता था, साफ करता था और जो पट्टी बांधता था उसके चोट पर, ओके, लायन के चोट पर. सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, और जल्द ही लायन चलने लगा, ओके, ठीक हो गया ना, तो फिर चलने लगा. मैनी टाइम्स इफ फॉलोड एंड्रिक्लिस वेयर एवर ही वेंट, और बहुत बार क्या होता था, इट फॉलोड एंड्रिक्लिस, और वो बहुत बार एंड्रिक्लिस को फॉलो करता था, मतलब उसके पीछे पीछे जाता था, है ना, जहाँ एंड्रिक्लिस जाता था वहीं पे लायन भी चला जाता था. इन द मीन वाइल एंड्रिक्लिस मास्टर हैड कंप्लेंड टू द अथॉरिटीज दैट हिज स्लेव्स एंड्रिक्लिस हैड रन अवे, और इसी बीच में क्या हुआ, एंड्रिक्लिस के जो मास्टर थे, जो गुरुजी थे, उन्होंने क्या किया, कंप्लेंट किया. कंप्लेंट मीन्स शिकायत की, किसको, टू दी अथॉरिटीज, जो बड़े लोग थे, राइट्स टू गिव ऑर्डर्स, है ना, वो तो अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटीज थी, उसको कंप्लेन किया कि उनका जो दास है एंड्रिक्लिस, जो स्लेव एंड्रिक्लिस है, वो रन अवे मतलब भाग गया है, ओके. सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रिक्लिस, सोल्जर्स जो थे, सोल्जर मीन सैनिक लोग जो थे, उनको सभी डायरेक्शन में, यानी सभी दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सभी जगह भेजा गया टू कैप्चर एंड्रिक्लिस. कैप्चर मीन्स कब्जा करने के लिए, कैप्चर पकड़ के लाने के लिए उसको. दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम, और वो क्या थे, हाई एंड लो. हाई एंड लो का आप मतलब समझ लीजिए, हाई एंड लो का मतलब होता है इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस, ओके, मतलब सर्च मतलब उसको सब जगह ढूंढा, सर्च मतलब ढूंढना. उन्होंने क्या किया, सभी जगह पे, अलग अलग जगह पे एंड्रिक्लिस को ढूंढा, पर उसको एंड्रिक्लिस, उनको वो नहीं मिला. एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रिक्लिस लिव्ड, और आखिर में क्या हुआ, वो लोग कहाँ पहुँचे, जंगल में पहुँचे जहाँ पे एंड्रिक्लिस रहता था. होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ये मैं दो भाग में बनाऊंगी, तो ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊंगी, तब तक आप इसको अच्छे से थरो कर लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर आपको मेरा समझाया हुआ लेसन्स या पोएम्स जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए. अगर आप दबाएंगे तो आपको मेरे फर्दर न्यू लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा. ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.